हेलो, हम टेट मेडिकल का केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। 31st क्वेश्चन है, इसका होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है ऑल ऑफ दीज के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, इसमें होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी होती है 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है। 39th क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब हम NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो मेनली उसकी क्या मास परसेंटेज क्या होगी, तो 40 क्वेश्चन, इसका होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, फॉस्फोरस को मेनली हम वाटर में स्टोर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट जो है वो इनमें से कौन शो करता है, तो टिंडल इफेक्ट मेनली NaCl सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कलर फ्रॉम डाई को सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपने इस कंपाउंड का नाम बताना है, तो इस कंपाउंड में होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से मॉलिक्यूलर वेट आपने बताना है होमोलोगस मेंबर्स का, तो इसमें जो है वो हमारा ऑप्शन होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन होगा बी, एंटासिड मेनली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें होगा ऑप्शन डी, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें होगा कि गैलिना ओर किस चीज़ का है, तो वो मेनली लेड का ओर जो है वो गैलिना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें ऑप्शन होगा ए। ठीक है, कि इस स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। ठीक है, जब आप जो है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इनमें से आपने जो है वो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, तो इसमें जो है वो आपकी ए वाली स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर में क्या प्रेजेंट होता है, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है वो विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होती है, तो एसिड प्रेजेंट, विटामिन सी की में जो एसिड है वो किस चीज़ का बना होता है, तो मेनली आपका विटामिन सी में जो एसिड है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, तो याद रखेंगे सल्फ्यूरस एसिड बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर आपने बताना है कि इसमें किसका जो है वो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें होगा CH3CN। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो है वो इस रिएक्शन में को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन का क्या फॉर्मूला है, तो वो होगा C6H12। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो एस्टर में होता है C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से 10 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें अगेन ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है कि आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होगी तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करेगी। ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो होगा CH3CN। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपने बताना है कि जब हमें चींटी काटती है तो मेनली कौन सा एसिड हमारी बॉडी में जो है वो जाता है, तो याद रखेंगे चींटी में प्रेजेंट होता है HCOH, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग जो है वो प्लास्टिक नहीं है, तो मेनली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है आपका टेफ्लॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि फ्रूट की जो फ्रेगमेंट सी स्मेल होती है उसमें मेनली कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है एस्टर, जो आपकी खुशबू आती है फ्रूट से वो मेनली एस्टर की वजह से आती है। इस रिएक्शन को आपने कंप्लीट करना है 58 क्वेश्चन, तो इसमें आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होगा तब भी मेल्ट कर जाएगा, तो याद रखेंगे गैलियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज़ नोन एज कैटिनेशन। थैंक यू।